चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है जो माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी ध्यान, ज्ञान और वैराग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी आराधना से ज्ञान ध्यान के साथ वैराग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के मौके पर देश के कोने कोने में धूम है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता के मंदिर पहुंच रहे हैं और पूरी श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। ये झलकियां राजधानी दिल्ली स्थित झंडेवाला देवी मंदिर से आ रही हैं, जहां मंदिर को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। भक्त बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे हैं। जय माता दी। आज वासंतिक नवरात्र का द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्चारिणी, इन्हें तपस्या की देवी कहा गया है। ब्रह्मचारिणी कठोर, ब्रह्मचारिणी का एक नाम है कठोर तप। इन्होंने ये राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में इन्होंने जन्म लिया और नारद जी की सलाह से इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से भी कुछ ऐसी ही वीडियो सामने आई है, जहां के पीताम्बरा पीठ मंदिर में भक्तों ने विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद पुजारी से टीका लगवाया। सभी माता की भक्ति में लीन दिखे। माता की आरती उतारी गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। देखो, पीताम्बरा माई जो है, यह 10 महाविद्या में 8वां स्वरूप है माई का। ये पराम्बा है और ये बहुत जल्दी सुनने वाली शक्ति है। माई शमशान वासिनी है, प्रेत पर आसन है माई का और सारे कष्टों का निवारण माई के श्री चरणों में है। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित वैभव लक्ष्मी मंदिर में भी माता रानी की भव्य मंगल आरती की गई। बड़ों से लेकर नन्हे बच्चे माता की भक्ति में लीन दिखे। सभी ने मंत्रोच्चारण के साथ माता के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। सभी भक्तों में भारी आस्था का हुजूम उमड़ा हुआ है और भक्त सुबह से ही मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं माता के, कि किस प्रकार से सुबह सुबह ही हम अपने चैत्र नवरात्र की शुरुआत माता के दर्शन से करें और अपने संपूर्ण जीवन को मंगलमय बनाएं। इसीलिए माता वैभव लक्ष्मी मंदिर में भी आज सुबह आरती में अनेकों भक्त यहां पर उपस्थित हुए और माता का आशीर्वाद लेने के लिए आए, ताकि भगवती सबका मंगल करें। ये जो हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, ये सबके लिए मंगलमय हो और जो चैत्र नवरात्रि है वो भगवती सब पर अपनी कृपा बरसाएं। इस मनोकामना से सारे भक्त सुबह सुबह माता की आरती में आज उपस्थित हुए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।